नमस्कार जी, आप सभी का कुक की दूसा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुजराती डिश थेपले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। घर में अक्सर सभी लोग नाश्ते में पराठे लेते हैं, ये पराठे की जगह ले सकते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आसान तरीकों से बन जाते हैं। और अक्सर लोग इसको चटनी, दही, अचार से खाते हैं, पर मैं इसके साथ चटपटे बेसनी आलू बनाने जा रही हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने ये सामग्री ली है। ये मैंने एक बाउल आटा लिया है, इसमें कम से कम 5-6 थेपले बन जाएंगे। और ये मैंने मेथी ली है, कसूरी मेथी, क्योंकि इस समय अभी हरी मेथी नहीं आ रही है, तो मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ। इससे भी बहुत स्वादिष्ट थेपले बनते हैं। और ये दही है और ये भुना हुआ बेसन है आलूओं के लिए, और ये कच्चा बेसन है जो मैं गेहूं के आटे में मिलाऊंगी थोड़ा सा स्वाद के लिए, और ये कड़ी पत्ता है, ये आलूओं के लिए है, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च आलू और थेपले दोनों के लिए है, और ये मैंने आलू छील के रखे हैं। और ये देखिए, मैंने मसाले लिए हैं जो थेपले में भी पड़ेंगे और आलू में भी पड़ेंगे। ये नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, और ये भुना हुआ हींग जीरा पिसा हुआ है, ये थेपले में पड़ेगा, और ये खड़ा जीरा है आलूओं में पड़ेगा, ये मेथी है, ये हींग है, ये धनिया है पिसा हुआ, और ये चाट मसाला है, और ये राई है। और सबसे पहले हम थेपले के लिए डो बना के रखते हैं। ये मैंने एक बाउल आटा लिया है और इसको हम परात में पलट रहे हैं, और इसमें हम बीच में थोड़ी सी जगह करते हैं। और अब हम इसमें ये मेथी डालेंगे, ये मैंने 3-4 चम्मच सूखी मेथी डाली है। और अब हम इसमें दही डालेंगे, ये मैंने 3 चम्मच दही डाला है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डालूंगी, और इसको चटपटा करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई वो कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, और ये भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, क्योंकि हमें खड़ा जीरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको भून के पीस के इसका पाउडर बना लिया है, वो भी मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कमी डाल रही हूँ। और ये मैं 1/2 चम्मच करीब हल्दी, और 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी हींग, बस। और अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, ये मैंने छोटा चम्मच 3 चम्मच रिफाइंड डाला है। और अब हम इस सब चीजों को मिक्स करेंगे। सूखी मेथी के थेपले बहुत स्वादिष्ट होते हैं हरी मेथी की अपेक्षा,
इसलिए मैं सूखी मेथी के थेपले बनाने जा रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मारूंगी। इसका आटा बिल्कुल रोटी पराठों की तरह लगाया जाता है, ज़्यादा कड़ा नहीं होता है, जो आसानी से बेल जाए। थेपले बहुत ही पतले बेले जाते हैं, रोटी पराठे की अपेक्षा पतले होते हैं। अब ये देखिए डो तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छा स्मूथ डो बन गया है। और अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, जिससे थोड़ा आटा भी फूल जाएगा और बनाने में सही रहेगा। जब तक थेपले का आटा सेट हो रहा है, तो अब उसके बाद हम आलू बनाने के स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अब हम इस छिले हुए आलूओं को काटेंगे। अब हम बेसनी आलू बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं इसको कड़वे तेल में बना रही हूँ। कड़वे तेल में ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। और जब ऑयल अच्छे से हो जाएगा जब अच्छे से हो जाएगा तब मैं इसमें जीरा, मेथी, राई और हींग का तड़का लगाऊंगी, कड़ी पत्ता डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी और उसके बाद आलू डाल के थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ऑयल हो गया है और मैंने इसको चेक कर लिया है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा, दो चार दाने मेथी और ये आधा चम्मच राई और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ और ये थोड़े से कड़ी पत्ता और ये थोड़ी सी हरी मिर्च चटपटा करने के लिए। अगर आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ये आलू डाल रही हूँ और इसमें अभी आलू मैं फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें आलू को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसमें मैं नमक डालूँगी, आधे चम्मच से कम मैंने नमक डाला है। और अब मैं इसको थोड़ी देर, दो चार मिनट ये फ्राई करूँगी और इसको मैं ढक दूंगी धीमी आंच करके। और अब मैंने इसमें ये 3 चम्मच हल्का भुना हुआ बेसन लिया है, इसको ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का भुना हुआ बेसन लिया है। और अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। ये मैंने आधा चम्मच करीब हल्दी और आधा चम्मच से कम लाल मिर्च और ये मैंने लिया 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर और ये मैंने लिया आधा चम्मच चाट मसाला और इसमें भी मैं आधे चम्मच से कम नमक मिलाऊंगी क्योंकि उसमें भी मैंने डाला है। और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। और जब आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हल्का सा गल जाएगा,
तब मैं ये इसमें बेसन मिलाऊंगी आलूओं में। ये देखिए आलू फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 3-4 मिनट इसको ढक के रख दिया था और हल्के से गल भी गए हैं। और अब मैं इसमें ये बेसन और मसाले मिलाऊंगी, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डाल के, इसके ऊपर ही हुई छिटक के थोड़ा थोड़ा सा डाल के, और अब मैं इसको चलाऊंगी। और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। मेरा ख्याल है ये 10 मिनट में धीमे धीमे आंच में गल जाएंगे और बन जाएंगे। ये देखिए आलू हमारे उधर बन रहे हैं और अब मैं थेपले बनाने के लिए शुरू कर रही हूँ। ये मैंने डो ढक के रख दिया था और ये अब डो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और अब मैं इसमें से छोटी छोटी सी लोई ले रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं बनते हैं, छोटे और पतले बनते हैं। ये मैंने ये लोई ली है और अब मैं इसमें सूखा आटा लगा के इसको बेलूंगी। छोटे बड़े अपने आप इच्छा अनुसार कर सकती हैं। ये देखिए काफी पतला बन गया है और अब मैं इसको तवे पर डालूंगी। तवा गरम है और इसकी आंच मैं धीमी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगी, रिफाइंड ऑयल। जब तक वो तवे पे सिक रहा है तब तक मैं दूसरी लोई ले रही हूँ। मैं इसको साइड से किनारे किनारे से बेल रही हूँ और ये तब तक ये तवे वाला एक साइड सिक गया है और मैं इसको पलट रही हूँ, अब ये दूसरी साइड सिक रहा है। और ये मेरा थेपला बेल के तैयार हो गया है और अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ी सी आंच तेज कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको दबा दबा के सेकने से अच्छी चित्ती पड़ जाएंगी। ये देखिए इधर भी सिक गया है और अब मैं इसमें रिफाइंड लगा रही हूँ चारों तरफ डाल के। ये एक साइड अच्छा सिक गया है
और मैं इसको दूसरी तरफ दबा के सेक रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड सिक गया है और अब मैं इसको ये मैंने कटोरी के ऊपर रखा हुआ है इसको और अब मैं दूसरा तवे पे डाल रही हूँ। अब मैंने थोड़ी सी आंच तेज कर दी है और ये एक साइड सिक रहा है और तब तक मैं दूसरा थेपला बेल रही हूँ। अब मैं इसको पलट रही हूँ और मैंने इसकी आंच धीमी कर दी है। एक साइड सिक गया और दूसरी साइड वो सिक रहा है। और ये मेरा तीसरा थेपला भी मिलके तैयार हो गया है और अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। ये देखिए इसमें ये अच्छे से सिक गया है और ये इसमें अच्छी चित्ती भी पड़ गई है और अब मैं इसको हटा रही हूँ। और अब मैं अगला वाला तवे पे डाल रही हूँ और ये मैं अब अगला वाला बेल रही हूँ। ये अभी सिक रहा है इसको साइड साइड से बेला जाता है जिससे ये अच्छे से पतला बन जाए। ये रोटी और पराठों से पतला बेला जाता है। और ये मेरा बिलके तैयार हो गया और अब मैं इसको देख रही हूँ। ये देखिए एक साइड सिक गया है चित्ती पड़ गई है और मैं थोड़ा सा आंच तेज कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छा खाना चाहें तो ज़्यादा लगा लें और थोड़ा तो कम। और अब हम इसकी आंच धीमी करके इसको थोड़ा सा दबा के सेक रहे हैं जिससे ये अंदर तक सिक जाए और अच्छी चित्ती भी पड़ जाए। ये देखिए एक साइड सिक गया है अच्छी चित्ती पड़ गई है। और दूसरी साइड भी सिक गया है और अब हम इसको हटा रहे हैं और अब हम ये अगला वाले डालेंगे। ये देखिए आलू बनके तैयार हो गए हैं और मैंने इनको 10 मिनट ढक के रख दिया था और ये 10 मिनट में बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए, भुन भी गए हैं। और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ।
और ये पूरी तौर से तैयार हो गए हैं। ये देखिए थेपले और बेसनी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसको सर्व कर दिया है। और आप इसको घर में बहुत आसान तरीके से बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इसको 3 दिन तक रख के बड़े आराम से खा सकते हैं। इसको हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं और सफ़र में इसको आप चटनी के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आपको ये कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी आज की रेसिपी, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और बनाइएगा, खाइएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस रेसिपी को लाइक करिएगा। और अब मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। नमस्कार।